तो कैसे हो आप सब। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट देखा ही होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यानी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो बहुत जन ये डाल रहे हैं और बहुत जन मुझे सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये मतलब पेज है, यानी कि सीरीज़ आने वाली है क्या, मतलब है क्या, मतलब एक्सप्लेन करने कह रहे थे। मतलब बहुत लोगों को लगा ये कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये न्यू नहीं है, ये आया था पेज फैब के टाइम से। तो आप लोगों को पता ही है कि फैब में आया था डिज्नी प्लस का एक गेम स्पॉट, जहाँ पे हमें 3 सीरीज़ के फर्स्ट लुक देखने मिले थे, दी फेलकन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ का, वांडा विजन की सीरीज़ का एंड लोकी की सीरीज़ का। तो उसी के बाद ये पेज डिज्नी प्लस के मतलब शो करने लगे डिज्नी प्लस के ऐप में, और वहाँ पे जो लिखा है प्ले ट्रेलर, अगर वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे चलेगा ट्रेलर नहीं, लेकिन चलेगा बिग गेम स्पॉट, यानी कि वो 30 सेकंड का जो क्लिप था वो चलेगा, जहाँ पे हमें फर्स्ट लुक देखने मिला था तीनों सीरीज़ का। तो उम्मीद है मेरी पब्लिक समझ गए होगी कि ये जो पेजेस है अलग अलग सीरीज़ के, वो अभी मतलब न्यू नहीं है, वो फैब के टाइम से चल रहा है। अभी बहुत जन वीडियो बना रहे हैं, लैंडिंग पेज, कैंडिंग पेज, कुछ भी करके बनाते हैं। 83, 84, 85 सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। हेलो गॉइस, तो चलिए अपडेट शुरू करते हैं हम। कुछ भी मतलब बनाने का कुछ नॉलेज नहीं है। प्ले ट्रेलर पे क्लिक, बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि प्ले ट्रेलर लिखा है वहाँ पे, अगर क्लिक करोगे तो मार्वल स्टूडियोज़ ने परमिशन नहीं दिया है, वहाँ पे ट्रेलर रखा है। अरे भाई कैसे रखेगा ट्रेलर यार, लोकी की सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट ही हुई थी, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर अभी रिज्यूम भी नहीं हुआ है, और मार्वल स्टूडियोज़ ने लोकी का ट्रेलर भी तैयार करके रखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखने मिलेगा, यानी कि जब वो लोग परमिशन देंगे, ऐसा मतलब लोगों का कहना है, कुछ भी बोलते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये सारे जो डिज्नी प्लस की सीरीज़ है उनके पेजेस पे जो रिलीज़ ईयर लिखे हैं वो फैब के टाइम से लिखे हैं, यानी कि अभी अगर कुछ चेंजेस भी हुआ है ना तो उन लोगों ने अपडेट नहीं किया है। और वैसे भी यहाँ पे लिखा है दी फैलकन दी विंटर सोल्जर की सीरीज़ के लिए कि कमिंग फॉर 2020, तो अगस्त सेप्टेम्बर हम कुछ गेस कर सकते हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते। बहुत लोग मतलब वीडियो में कह रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज़ अगस्त में रिलीज़ करने वाला दी फैलकन एंड दी विंटर सोल्जर की सीरीज़, तो कुछ तो दिखा दो, वो बच्चे है भाई, कुछ तो दिखा दो, लॉलीपॉप उन्हें दे दो हाथ में, कुछ नहीं तो पब्लिक ही दे दो उन्हें हाथ में कुछ, तो वो लोग देख के खुश तो हो जाएंगे। कौन से पार्टी दिखा दो, या फिर मेरी वीडियो खुली तिजोरी है, इन्फो थोड़ी मेरी दे दो उनको, या फिर उनको चुराने बोल दो, कुछ तो नॉलेज दे के वीडियो में मतलब बोलेंगे, अंधाधुंधी कुछ तो नहीं ठोकेंगे, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह मतलब कुछ भी इन्फो कहीं से भी देखा तो बस वीडियो में बोलते रहने का, अरे आगे चलते रहने का यार, बोलते नहीं रहने का। कोई नहीं, समझाओ यार, मैं तो समझा समझा के थक गया। मतलब बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत सारे अकाउंट्स है, बहुत सारे यूट्यूब पे क्रिएटर्स है, मतलब वो एक comicbook.com वाला जो बंदा है ब्रैंड डेविस करके कुछ नेम है, उसने एक मतलब ये इमेज डाला और मज़े के लिए कुछ लिखा है, तो लोग मतलब सर्कुलेट करने लग गए, अपने अपने अकाउंट्स पे डालने लग गए, मतलब जैसे कि कुछ न्यू हो, कुछ न्यू नहीं है, ये तो पेज में फैब में देखा था। फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे हो गए तो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने स्टोरी पे डाला था, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, ये कुछ न्यू नहीं है। और जो ट्रेलर का कुछ भी बोलते लोग कि मार्वल स्टूडियोज़ ने मतलब छुपा के रखा है, परमिशन नहीं दिया है, दे दो, कुछ भी मतलब छुपा के रखा है। अभी मैंने रीज़न दिया कि लोकी की सीरीज़ का शूट स्टार्ट ही हुआ था, फिर लॉकडाउन, उसके बाद रिज्यूम भी नहीं हुआ है, और ट्रेलर मार्वल स्टूडियोज़ ने तैयार करके रखा है। वाह यार, मेरे को तो बहुत हंसी आ रही है, 83, 84, 85 सब्सक्राइबर्स लेके, मतलब कैसे देखते बंदे लोग, लोग स्ट्रीम देखने के लिए एक एक घंटा रुक रहे, आधा आधा घंटा कुछ भी वीडियो बना रहे। वो हॉलीवुड हिंदी करके एक फेसबुक पे पेज है, उसका लोग कॉपी मार के लिखने लगे कि मतलब कौन सी मूवी हिंदी में कब आने वाली है, आ चुकी है, और वहाँ पे लिखते OTTT अपडेट। अभी OTTT मतलब मेरे को भी नहीं पता, एक बंदे को मैंने पूछा था, उसने कहा था कि ब्लॉकबस्टर ऐसे कुछ मतलब लिखा था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये सब कांड करते हैं और अपने आप को महान बनाते हैं, एप्लीकेशन बना के रखे अपने, जैसे कि बहुत बड़ा मतलब अपन कंपनी हो, खुद में एक ब्रांड हो, मतलब मारते तो दूसरे के है ना कॉपी, खुद में ब्रांड रह के क्या फ़ायदा, ओरिजिनल सोर्स ही कुछ और है हमारा, मतलब हमारे भी नहीं कह सकते, मतलब वो पहचानते भी नहीं है, यानी कि मेरे दोस्त से, लेकिन वो पहचानते भी नहीं, लेकिन वो लोग उठाते हैं। अभी देखो क्या बोलूँ मैं, कोई तो समझा दो यार इन्हें, ऐसे ही सुबह सुबह उठ के आ जाते हैं, रात को भी उठ के आ जाते हैं, कभी भी उठ के आ जाते हैं, हेलो फ्रेंड्स वेलकम, कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब बोलते हैं यार, मेरे को सीरियसली बहुत हंसी आ रहा है। मतलब इतने बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े लोग तो नहीं लेकिन बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स हैं इनके चैनल के, और लोगों को मतलब ऐसे में बनाते हैं, लोग भी नहीं समझते, लोग देखते भी है, 1000-2000 लोग देखते भी है, और वो एक नेम के बंदे का कॉमिक बुक टॉक्स, बाय बंदे में गजब टैलेंट है,
कुछ इन्फो हो या ना हो 10 मिनट की वीडियो तो बनानी है ताकि एड्स आए और इन्हें पैसा मिले। पैसा लेके किधर तक जाएगी, किधर तक भागेगी, हम भी तो देखें। देखो मेरे को किसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन ये लोग जो तरीका आजमा रहे हैं कुछ इन्फो नहीं आके बक बक करने का या फिर 10-10 मिनट का वीडियो बनाने का, लोगों को कुछ भी इन्फो देने का एड्स के लिए, पैसे के लिए। बस ना पैसे कमाओ, अच्छी तरीके से कमाओ ना, मतलब ये सब क्यों करना है पब्लिक के साथ। ऐसे पैसे कमा के क्या फ़ायदा, उसमें पब्लिक का भी लॉस है, तुम्हारा फ़ायदा है, लेकिन पब्लिक का तो लॉस ही है ना। मतलब कुछ अच्छा करो यार, मतलब उनको तुम दिल से पसंद आओ ना कि ऐसा ऊपर ऊपर से देख के तुमको चले जाएं। वैसे जाने दो, ये सब मैं कमा लूँगा, तुम लोग बस यही चाले करो क्लिक बेट। तो चलो उम्मीद है आप लोग समझ गए होगे यानी कि मेरी पब्लिक के ये मतलब स्क्रीनशॉट का क्या मामला था। कल मेरे से इंस्टाग्राम पे एक बंदे से बात भी हुई थी, आदित्य नेम है, हम लोग बात करते, मतलब बहुत दिन से बात करते रहता, तो तभी भी उसको मैंने ऐसे पूछा कि तुमने ये पेज वगैरह देखा, तो उसने भी बोला इसमें न्यू क्या, मतलब उसने ये पहले देख चुका था, मतलब ये न्यू नहीं ये पुराना, ये मैंने भी डाला था, मेरे को याद है अच्छे तरीके से, लोग न्यू कह रहे इसे। वैसे ये वीडियो अगर जो देख रहे हैं तो हंसो या ना हंसो, मैं तो ज़रूर हंसूँगा उन लोगों के लिए, 2 मिनट के लिए तो ज़रूर हंसूँगा, मतलब बिना इन्फो लेके कुछ भी देख के कुछ भी बताते हैं तो हंसना तो बनता है हमारा, हंस तो सकते हैं। मैं भले ही डिसलाइक नहीं करता हूँ, मतलब मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन कमेंट्स में लिख के बता देता हूँ क्या भाई गलती क्या है। अब वो लोग थोड़ा रॉन्ग वे में ले लेते तो मैं क्या करूँ, आप DM करो तो रिप्लाई नहीं देते, अपने आप को बड़े समझते, मतलब अपनी चलानी है, किसी की नहीं सुननी, बस अपनी चलानी है, तो फिर मैं क्या करूँ। तो इस वीडियो को अब एंड करते हैं, बाकी आप लोग कुछ सोचो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग समझ गए हो या नहीं समझ गए हो। अगर समझ गए हो तो हो सके थोड़ा टाइम निकालो उन लोगों के लिए, थोड़ा समझा दो, अगर आप लोगों से समझे तो ठीक, वरना जाने दो। तो अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी है वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। MCU मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।